हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र राउत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज कमेंट करके बताएं। कल सभी फ्रेंड्स लोग पूछ रहे थे कि सर आप लाइव से जल्दी क्यों चले गए, तो उनके सवाल थे, तो आज मैंने सोचा उन सबके सवालों को मैं जवाब दे दूं, क्योंकि कल का जो दिन था मेरे लिए इतना बेकार था, इतना क्या बताऊं मैं, आता जीवन में कभी कभी एक दिन जो सबसे बेकार होता है, सबसे बेकार दिन था, तो उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरे साथ कल क्या क्या घटनाएं हुई और किस कारण मुझे लाइव को जल्दी से बंद करना पड़ा और मैं आप सबसे नहीं मिल पाया, उसके लिए मुझे खेद है और आई एम सॉरी। मैं आज पूरा आऊंगा, पूरे टाइम रहूंगा लाइव में, और तो अब मैं बताता हूं कि मेरे साथ कल क्या हुआ था, इस कारण मुझे लाइव से जल्दी जाना पड़ा। कल संडे था और कल संडे को मेरी जो ड्यूटी थी, मतलब ड्यूटी ऐसी थी कि जो मेरे एक दोस्त हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में है, तो उन्होंने कहा कि भैया जी आप चलिएगा एक जगह, जो अपना अजमेर का सबसे बड़ा जो पैलेस है, मानसिंह पैलेस है सबसे बड़ा, तो उसमें ड्यूटी है गार्ड की, तो आप चलोगे क्या। मैंने कहा ठीक है भाई, चल चलूंगा। और उन्होंने कहा कि हनी सिंह वहां पर आएगा, जो रॉक स्टार हनी सिंह है वो वहां पर आएगा, तो आपको चलना हो तो आप प्लीज जरूर चलिएगा। तो मैंने भी कह दिया भाई ठीक है, अगर हनी सिंह आए तो चलो उसे देखने का अपने को मौका मिलेगा, तो क्यों नहीं अपन चलते हैं यार। तो जैसे चला गया, मुझे कोई पता भी नहीं था कि भाई जो सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है और क्या नहीं होती है, थोड़ा बहुत ध्यान था पर बाकी ज्यादा पता नहीं था। तो मैं चला गया भाई कल सुबह, हमारी ड्यूटी 9 से 5 बजे तक की थी, तो मैं 9 बजे पहुंच गया था वहां पर। और पहुंचने के बाद चलो अपनी जो ड्रेस होती है उन्होंने वो दी थी, वो पहनी थी, और उसके बाद मतलब हमें हमारी जो व्यवस्था थी कि जो भी वहां से जो और वीआईपी मतलब पार्टी थी वो बर्थडे था, कोई सुनील कुमार सिंह थे, तो हाई कोर्ट के जो जज यानी वकील थे उनका जो बर्थडे था, और उन्होंने ही वो जो मान सिंह पैलेस से उनको खरीदा था, तो उनकी जो बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें हमें सबको गार्ड की ड्यूटी मिली थी एक दिन की। तो मैंने भी सोचा यार संडे है तो कोई बात नहीं, चल चलो यार, भी वैसे छुट्टियां लग गई 2-5-7 दिन की, तो चलो जो आएंगे वही अच्छे हैं। तो मैं चला गया वहां पर, और हमारी ड्यूटी थी जो कारें जो आती हैं तो उनको पार्किंग में लगाने के लिए, ठीक है ना, कि जैसे कि दूसरी गाड़ी भी निकल जाए तो उनको लाइन से लगवाने की थी। तो कल मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि वहां के जो जयपुर से जो गार्ड्स आए थे तो उन्होंने क्या किया, मतलब हर बार पे हमें टोक रहे, तुम ये करो, वहां जाओ, यहां जाओ, वो करो, मतलब हम नए थे तो कुछ पता भी नहीं था, तो मतलब इतना हमें परेशान किया, मतलब 2-3 घंटे, तो लास्ट में 2 घंटे बाद तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं तो यहाँ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ भाई, मैं तो नहीं करने वाला, 5 बजे तक मैं तो नहीं रुक सकता हूँ। तो ऐसे करते जब मेरे फ्रेंड थे वो आए वहां पर, उनको मैंने कहा भैया देखो ये लोग तो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं नहीं रह सकता यहाँ पर, तो मुझे अब घर जाना है। तो उन्होंने कहा यार भाई सब्र को सब्र को। तो फिर जैसे वो आए तो फिर सब लोग उतर के जो थे सब शांत हो गए आराम से, ऐसे करके 5 बजे तक मैंने आराम से ड्यूटी कर ली। और ड्यूटी करी तो ना तो हनी सिंह आया उस समय, और पता भी नहीं था कि शुरू में तो यूं चल रही थी चर्चा कि हनी सिंह आया, हनी सिंह आएगा, फिर थोड़ी देर बाद यूं उड़ाई कि जो गुरु रंधावा वो आएंगे, ठीक है, तो हनी सिंह तो पता नहीं आया नहीं आया क्योंकि मैं तो 5 बजे फिर आ गया था। पर हाँ मुझे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कालबेले नृत्य की जो नृत्यांगना है गुलाबो, उनको तो मैंने देखा, उनकी टीम को, और उनको तो मैं इसी मुझे फायदा हुआ कि मैंने उनको आंखों से आमने सामने देखा, और वहां पर मैं कुछ वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी, थोड़ी सी मैंने बनाई थी उसकी। तो उसी समय एक गार्ड आके बोला मुझे कि भाई अपन गार्ड है और है ना अपन वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने कहा यार गई बेस पानी में, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था कि भाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा उन सबका, और वही काम मेरा नहीं हो पाएगा, फिर मेरा आने का मतलब क्या यहाँ पर। इतना दुख हुआ मुझे यार कि क्या बताऊं मैं। तो गुलाबो भी मेरे सामने से निकली थी और सामने उनका स्वागत वगैरह सब हुआ था, पर मुझे अपने पता था कि जब अपने हद क्या है, तो मैं पास भी नहीं जा सका और कुछ भी नहीं कर सका। इतना दुख हुआ मुझे कि यार मैं आया, और उसके चक्कर में घर पे कल लड्डू वड्डू भी बने थे तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर पे था ही नहीं, तो कैसे करता। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई। उसके बाद जैसे 5 बजे छुट्टी हुई तो फिर मैं घर के लिए निकला, आधे रास्ते में आया, और आधे रास्ते में ही क्या हुआ, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म और पेट्रोल पंप 3 किलोमीटर दूर। मैंने कहा आज तो किस्मत ही खराब है, पूरी फूटी किस्मत, वहां खड़े खड़े कम से कम 9 से 5 बजे तक खड़े खड़े तो पैर ऐसे चटक चटक कर रहे थे, बहुत दर्द हुआ पैरों में, बहुत पैर दुखे मेरे। और उसके बाद आगे आया आधे रास्ते में तो पेट्रोल खत्म और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो वहां से पूरा गाड़ी को घसीटते घसीटते मैं ठेठ 3 किलोमीटर तक
हम तो 2.5 किलोमीटर आ गया, फिर आधा किलोमीटर की चढ़ाई थी, बहुत ही ऊंची घूघरा घाटी है हमारे यहाँ पर, तो वहां पर बहुत ही मतलब यूं सीधी चढ़ाई है, और उस पे चढ़ाना तो बहुत ही टफ काम हो गया। मैंने कहा यार अब कैसे क्या हो पाएगा, सच में बहुत ही, मैं उस समय वीडियो भी बनाने की सोच रहा था, पर बिल्कुल ही मतलब थकान इतनी थी कि मैं मतलब एक तो वहां खड़े खड़े ड्यूटी देना था, और बिल्कुल ऐसे पैर ऐसे कर रहे थे, और वो पैदल 2-2.5-3 किलोमीटर और पैदल चल लिया, तो फिर मेरी तो हालत खराब हो गई। तो फिर वहां से ऐसे करा के थोड़ी देर में बैठ के 5 मिनट मैंने सांस लिया, और फिर वहां पर मैंने वो जो घाटी थी घूघरा घाटी वो चढ़ाई पूरी करी। फिर उसके बाद जैसे अपन नीचे उतरते हैं घूघरा घाटी, तो यूं एक ढलान है, तो उसमें से कम हाँ 1-1.5 किलोमीटर होगा, तो वहां तक तो गाड़ी आराम से गुड़के गुड़के मैं बैठ गया था, आराम से चला गया, पर गर्मी से मैं हो गया बिल्कुल लत पत, पूरी जो जैकेट वैकेट मैंने कपड़े पहन रखे थे पूरे पसीने से सन गए पूरे, इतनी भयंकर। मैंने कहा यार सर्दी में भी इतनी गर्मी कैसे हो रही है भाई, क्योंकि बहुत ही जो चढ़ान थी उसमें से गाड़ी चढ़ाना और बहुत ही भारी काम हो गया था कल मेरे साथ। तो देखिए ये 2-3 घटनाएं का मतलब कल का दिन ही बहुत बुरा था मेरे लिए सच बताऊं तो, और वहां जाकर मैंने ड्यूटी में जाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। घर आया तो सबने डांटा मुझे कि तू क्यों गया था, तुझे पहले मना किया था हमने। तो वहां से आके फिर नीचे आके मैंने पेट्रोल भराया, फिर घर आया, और घर आने के बाद बस खाना भी नहीं खाया मैं तो, और आते ही बस बिस्तर पे लेट गया मैं तो, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी। और फिर 8 बजे मुझे लाइव जाना था क्योंकि सब लोग इंतजार करते हैं, तो फिर लाइव में भी गया, तो लाइव में भी सब लोग मतलब आ रहे थे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। लास्ट में तो फिर मेरी ऐसी हालत हो गई कि नहीं अब मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तो फिर मैंने लाइव बंद कर दी, और एक कॉल भी आ गया था इस कारण हुई बाकी, और कॉल मैंने 2 मिनट बात करी उसके बाद देखा तो कोई भी लाइव में नहीं था। मैंने 5 मिनट इंतजार किया भाई सब लोग आवे आवे, फिर कोई नहीं आया, तो फिर मैंने लाइव ऑफ कर दी थी। यानी कल ये ऐसी घटनाएं मेरे साथ, पता नहीं दिन ही खराब था या क्या हुआ कि इस कारण इतनी सारी घटनाएं घट गई। सच में कल बहुत दिमाग खराब हुआ, मतलब मैं ना तो घर के जो 2-3 लड्डू की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाला था तो वो भी नहीं हुआ मेरा काम, और मैं जिस मेन कारण के लिए गया था कि मैं हनी सिंह को देखूंगा वो काम भी पूरा नहीं हुआ, यानी दोनों तरफ से ही मेरा बिल्कुल हो गया था। इसमें बहुत दुख हुआ सच में यार दोस्तों। चलो आज मेरी जो मन की पीड़ा थी मैंने आपके सामने बता दी है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे और वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा खम्मा गणेश।